हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कनेक्शन करने वाले हैं, हम कनेक्शन सीखने वाले हैं ट्यूबलाइट का। ट्यूबलाइट का घरों में कनेक्शन करते हैं, ट्यूबलाइट का शादी वगैरह में, फंक्शन वगैरह में हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो दो तरीके का ट्यूबलाइट का कनेक्शन होता है, आज दोनों कनेक्शन हम सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देखे होंगे शादी वगैरह में, फंक्शन वगैरह में, कि बहुत सारा ट्यूबलाइट होता है। उस सारे ट्यूबलाइट को हम लोग क्या करते हैं, जो टेंट वाले होते हैं वो दो वायर लेके जाते हैं, उसी दो वायर से सारे ट्यूबलाइट को कनेक्शन कर देते हैं इस तरह से। तो वो कनेक्शन कुछ और होता है, उसमें आप देखते होंगे कि दो वायर इस तरह से रहता है, दोनों वायर को स्पार्क करते हैं, स्पार्क करने के बाद ही जो ट्यूबलाइट वो जलता है, आप ऐसा देखे भी होंगे। तो वो कनेक्शन कैसा होता है उसको हम लोग सीखने वाले हैं। साथ में जो हम लोग नॉर्मली घरों में जो कनेक्शन करते हैं नॉर्मल ट्यूबलाइट का, तो उसका कनेक्शन हम इधर देखने वाले हैं। तो दो कनेक्शन आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो सीख लेंगे वो घरों में जो कनेक्शन करते हैं ट्यूबलाइट का, उसका कनेक्शन हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हमें नॉर्मली है कि हमें जो सबसे पहले न्यूट्रल को काम करना है। जैसे कि यहाँ पे जो दो देख रहे हो, दो पॉइंट नीचे है, दो पॉइंट ऊपर है। तो अगर ट्यूबलाइट में दो ऊपर होता है, दो नीचे होता है, और ये सिल्वर कलर का आप देखते ही होंगे। तो यहाँ से जो एक पॉइंट निकलेगा इस तरह से, इसे हम जोड़ देंगे डायरेक्ट न्यूट्रल में। एक पॉइंट को नीचे से निकाल के डायरेक्ट हम न्यूट्रल में जोड़ देंगे, और दूसरा जो पॉइंट होगा ऊपर वाला, सेम उसी साइड में, जिस साइड में न्यूट्रल जोड़ोगे उसी साइड में क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो जुड़ जाएगा कहाँ, चौक में। आप देखते हो इतना बड़ा चौक होता है ट्यूबलाइट में, देखते हो। आजकल तो नहीं आने वाला, आजकल एलईडी वाला जो है ट्यूबलाइट आने लगा है, लेकिन पहले जो चलता था अभी भी चलता है चौक वाला ट्यूबलाइट। तो चौक लगा होता है, और दूसरा जो चौक से ही दूसरा वायर निकल के जाएगा, कहाँ जुड़ जाएगा, फेज़ में। तो देखो कि आपने फेज और न्यूट्रल वाला कनेक्शन ओके हो गया। अब जो है इस साइड वाला कनेक्शन बच गया, तो इधर क्या करेंगे हम, जो दूसरा पॉइंट होगा तो यहाँ से एक पॉइंट निकाल के हम इस तरह से स्टार्टर, आप देखते होंगे एक जो स्टार्टर के इतने बड़ा डिब्बी जैसा होता है, वो होता है एक्चुअली में स्टार्टर होता है, उसी के बिहाफ पे ही ट्यूबलाइट जो है वो जलता है। ये क्या काम करता है, एक तरह का बूस्ट करने का काम करता है, स्पार्क करने का काम करता है एक तरह का, ये स्पार्क करता है, बूस्ट करता है। देन क्या होगा, यहाँ से बूस्ट होने के बाद ये कनेक्शन जो है, ये ट्यूबलाइट वो जलने लगता है। तो ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट है। ट्यूबलाइट इस तरह से आप कनेक्शन देते हो तो ट्यूबलाइट वो जल जाता है। आप समझ लो इस चीज़ को, न्यूट्रल आपने क्या किया, डायरेक्ट एक छोर में जोड़ दिया, और उसी साइड का जो है एक पॉइंट कहाँ चला जाएगा, चौक में, चौक से निकल के कहाँ चला जाएगा, फेज़ में। तो ये वाला कनेक्शन आपका इधर वाला पार्ट कंप्लीट है, और इस साइड वाला जो पार्ट है दूसरा जो निकला नीचे वाला पॉइंट, इसको जोड़ दोगे आप कहाँ, स्टार्टर में, स्टार्टर से जो एक और पॉइंट होगा उसको जोड़ दोगे ऊपर वाले पॉइंट में। तो ये कनेक्शन आपका घर वाला कंप्लीट हो गया। अब सेम चीज़ सेम वैसा ही यहाँ पे काम करता है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो टेंट वाला होता है वो स्टार्टर नहीं लगाता है, स्टार्टर को यूज़ नहीं करता है, बिना स्टार्टर का ही जला लेता है, इसको कनेक्शन ओके कर लेता है, वो काम करने भी लगता है। तो वो स्टार्टर के बिना अगर हम चाहते हैं इस पे स्टार्टर ना लगाए तब भी यहाँ पे काम करेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वायर को, ये दो वायर देख रहे हो, एक वायर ये, एक वायर ये, इन दोनों वायर को हम शॉर्ट करेंगे, तब ये वायर शॉर्ट होने पे ट्यूबलाइट जलेगा। तो अब हम चलते हैं इसमें देखते हैं, इसके लिए भी वही चीज़ प्रोसेस सेम है। तो हम एक क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ से आप देख लो कि ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट को हम जोड़ देंगे न्यूट्रल में। तो ये न्यूट्रल हमारा कंप्लीट हो गया, सबका एक एक जोड़ देते हैं हम न्यूट्रल में। पहले ये इस तरह से हम न्यूट्रल में जोड़ दिया ऊपर में, देखो एक पॉइंट हमने इस तरह से न्यूट्रल में कनेक्शन कर दिया। अब आता है हमारी फेस का, तो फेस में हम क्या करना है, जो यहाँ से फेस लाएंगे हम इस तरह से, और लाने के बाद चौक में जोड़ देंगे हम, जिस तरह यहाँ से था कि हम फेज को ला के चौक में जोड़ रहे थे, उसी तरह फेज को ला के चौक, फेज चौक जो होता है एक तरह का ट्रांसफार्मर उसमें लगा होता है इस फेज चौक के अंदर। तो हम डायरेक्टली फेज को चौक में देते हैं, फिर दूसरा जो वायर निकलेगा यहाँ से ये जुड़ जाएगा कहाँ, इस वाले पॉइंट पे। जिस तरह से देखो जिस वाले पॉइंट पे चौक जुड़ा था उसी के नीचे वाले पॉइंट में न्यूट्रल जुड़ा है ना, वैसे ही यहाँ देखो जिस वाले पॉइंट पे यहाँ पे हम फेज दिए हैं उसी पॉइंट पे इस सामने वाले पॉइंट पे हम न्यूट्रल दे रहे हैं। और इन दोनों को क्या करेंगे, जो इधर से पॉइंट होगा तो उधर से हम इस तरह से लाएंगे, इस तरह से लाने के बाद ऐसे लपेट के इस तरह से कर देंगे,
और इस तरह से, तो इस तरह आप देखते हो कि वायर को इस तरह मोड़ के एक बाहर निकाल दिया जाता है और इन दोनों वायर को शॉर्ट करते हैं, इसी दोनों वायर को स्पार्क करते हैं। स्पार्क करने के बाद क्या, ये ट्यूबलाइट जल जाएगा। एक बार बस स्पार्क करने के बाद जलने के बाद हम छोड़ देते हैं, ये दोनों अलग, उसका काम ख़त्म हो गया, ये जल जाएगा। जब तक कि हम स्पार्क नहीं करते हैं इन दोनों को, शॉर्ट नहीं करते हैं इन दोनों को पॉइंट को, तब तक ये नहीं जलेगा। एक बार स्पार्क कर देंगे तो ये जल जाएगा। तो इस तरह से हम कनेक्शन करते हैं। इसका भी हम कनेक्शन कर लेते हैं, तो ये देखो इस तरह से ये चला जाएगा कहाँ, फेज़ में, और यहाँ से चौक से निकल के चला जाएगा कहाँ, इस तरह से हम जोड़ लेंगे सामने वाले पॉइंट में। जो पॉइंट हमने न्यूट्रल जोड़ा था उसी के नीचे वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, चौक में जोड़ देंगे। और यहाँ से इसको हम इस तरह से लाएंगे, लाने के बाद इस तरह से मोड़ देंगे और इस तरह से कर देंगे, यहाँ छोड़ देंगे। बस ऐसे ही कनेक्शन करता है फंक्शन वगैरह में, जो आप बहुत सारा ट्यूबलाइट जोड़ता है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से हम लोग लाए, चौक में जोड़ लिए, चौक से निकल के कहाँ चला गया, इसके नीचे इस तरह से। और इसका जो पॉइंट होगा, इधर वाला पॉइंट इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, इस तरह से ये वाला पार्ट जलेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, क्या करते हैं एक फेज़ लेते हैं, यहाँ से फेज़ लाने के बाद चौक में जोड़े और चौक से हम डायरेक्ट इस तरह से जोड़ लेंगे। और इधर वाला जो पार्ट होगा इधर से लाएंगे, इस तरह से ये, तो सबको इस तरह से शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद क्या है, ये ट्यूबलाइट सारे, जो जिसको हम शॉर्ट करेंगे एक बार वो ट्यूबलाइट जलेगा, जिसको नहीं करेंगे वो जलेगा ही नहीं। अगर हम इसके जगह पे इस शॉर्ट, यहाँ पे दो वायर ओपन है ना, इसके जगह पर ये वाला लगा दें स्टार्टर, तो ये बिना शॉर्ट के भी जलेगा। अगर यहाँ पे हम चाहें कि इसको खोल दें, खोल के दोनों को शॉर्ट करेंगे इन दोनों को, तो तब भी ये जलेगा। इसको हम लोग यहाँ लगा सकते हैं और इसको खोल के हम इस तरह से, जैसे ये शॉर्ट वाला है, ये प्रोसेस में यहाँ पे जला सकते हैं। दोनों चीज़ सेम है, बस इसको यहाँ नहीं लगाया है, नहीं लगा के डायरेक्टली शॉर्ट कर रहा है। मान लो कि इसको बंद करना हो तो बंद करना, इसको स्विच फिर अलग से देना पड़ेगा। अगर स्टार्टर लगा देगा तो स्विच के लिए इसको अलग से बल्ब देना, स्विच देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि नहीं, इसको जलाना है, इसको जलाना है, लेकिन इसको नहीं जलाना है, तो बंद कैसे करेंगे इसको, वापस तार तो खोल नहीं सकते यहाँ से। तो बंद करने के लिए इसीलिए कनेक्शन दिया जाता है, ताकि जब मर्जी हो इसको बंद करना है तो दोनों को सटा के छोड़ दो, बंद हो जाएगा। अब दोनों को हमको जलाना है तो एक बार स्पार्क करके छोड़ दो तो जल जल जाएगा। तो इसीलिए दिया जाता है, ताकि जिसको चाहे वो बंद कर दो, जिसको चाहो चला दो। क्योंकि साइड फंक्शन वगैरह में क्या होता है कि बहुत टाइम तक सारा जो ट्यूबलाइट है, हम चाहते हैं कि सारा ना जले, कुछ कुछ जले, इसलिए दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हम स्टार्टर इसमें नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। लगाने के बाद क्या होगा, या तो सारा बंद होगा या तो सारा चालू होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से सप्लाई देंगे तो सबको मिलेगा। हम चाहते हैं कि नहीं, इसको बंद करना है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है शादी वगैरह में कि कोई बोल देता है कि नहीं, यहाँ का लाइट बंद कर दो, यहाँ का लाइट चालू कर दो, या फिर ज़्यादा टाइम हो गया तो यहाँ का बंद कर दो। तो हर जगह तो स्विच दे नहीं सकते हर ट्यूबलाइट के लिए, तो इसलिए ये फंक्शन किया जाता है वहाँ पर, ताकि जहाँ का चाहे वहाँ का बंद कर सकें हम। तो इसको प्रैक्टिकली मैं करके भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में, कि इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इसको जला सकते हैं और इसको किस तरह से जला सकते हैं। दोनों को मैं यूज़ करने का तरीका प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने बहुत सारा जो वीडियो बनाया ट्यूबे स्विच का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, चाहे वो गोदाम का हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो जेल का हो, चाहे वो जीना सिरही का हो, तो सब में अलग अलग कनेक्शन है। सबका कनेक्शन मैं दिखाया हूँ और सबका कनेक्शन मैं करके भी दिखाया हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख लेना अगर आप नहीं देखे हो। तो आज की वीडियो में हमने सीखा ट्यूबलाइट का कनेक्शन दो तरीके से। तो अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो मुझे। इस चैनल में हम सोलर से रिलेटेड वीडियो तो अपलोड करते ही हैं, साथ में पावर सेक्टर से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।